आप उससे 4K 30 FPS अपना मुंह थोबड़ा देख सकते हैं, जो काफ़ी आपको सुंदर लगेगा। तो आप इस मतलब इस मोबाइल से आप देख सकते हो। और अगर आपको गेम खेलना है तो मैं बता दूं कि तो कैसे हो भाई लोग, तो बहुत दिनों बाद वीडियो में डाल रहा हूँ। आपको पता होगा, मैं बता दूं कि मेरा मन नहीं कर रहा था वीडियो डालने का, और मेरे को टाइम भी नहीं मिल रहा था, और मेरे को बहुत ज़्यादा बिजी भी रहा, बहुत ज़्यादा मतलब निराशा में भी रहा। तो अब से वीडियो रेगुलर आएगी, कोशिश करूँगा कि वीडियो रोज डालूँ। तो आ जाएगी ये वीडियो, आ जाएगी आपको 9 बजे तक अपलोड कर दूँगा। तो आज की वीडियो होने वाली है सैमसंग गैलेक्सी M53, जो न्यू ब्रांड ताबड़तोड़ मतलब बहुत ही हार्ड मोबाइल, मतलब बहुत ही ख़तरनाक मोबाइल आ गया है, जो आप उसे पटक के मतलब कैसे भी निचोड़ के खेलो, कैसे भी खेलो, वो मतलब ख़राब होने वाला है नहीं, क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक मोबाइल है सैमसंग गैलेक्सी जेठा लाल मोबाइल, जिसको हम बोलते हैं सैमसंग गैलेक्सी को। बहुत ही हैवी, बहुत ही मोटा, बहुत ही ख़तरनाक मोबाइल है। तो हम पहली बार बता रहे हैं कि मतलब कि हम पहली बार इस वीडियो में बता रहा हूँ कि सैमसंग गैलेक्सी के फ़ोन के बारे में। तो देखना इस वीडियो को, क्या क्या इस फ़ोन के बारे में स्पेसिफिक मैं बताता हूँ, और क्या क्या इस फ़ोन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्या कोई कोई बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा लैग करता सैमसंग गैलेक्सी, हमको मालूम नहीं था कि पहले उसमें प्रोसेसर देखना चाहिए या मोबाइल का ब्रांड देखना चाहिए कि कौन सा ब्रांड है, हमें से कोई मतलब नहीं। हमको बस क्या देखना, हम गेमर हैं और हमको देखना है उसमें हमको बैटरी चाहिए, प्रोसेसर चाहिए अच्छा, और बड़ी टच स्क्रीन चाहिए, जिससे कि हम अपने हाथों को 4 उंगली या 10 उंगली से खेल सकें। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो हम बात कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी M53। इस नाम को मैं भूल जाता हूँ, पता नहीं क्यों M53 मेरे को बोलते ही नहीं आता, बहुत मतलब मुश्किल से बोल पाता हूँ मैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं पहले सैमसंग गैलेक्सी के UI को। तो ये सैमसंग गैलेक्सी UI मतलब सैमसंग का खुद का है, उसका नाम है UI 1 सैमसंग गैलेक्सी का है, जो काफ़ी बेहतरीन, फ्रेश और काफ़ी हैवी मतलब UI है, जो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज है, और ये आपको गेम खेलने बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि ये MIUI नहीं है जो सड़ा हुआ मतलब अपडेट करने में लैग मारने लगे या कुछ करने लगे या मदरबोर्ड की प्रॉब्लम आने लगे। तो बहुत ही ख़तरनाक UI है। तो हम बात कर लेते हैं प्रोसेसर के बारे में। तो प्रोसेसर में बहुत ही ख़तरनाक और ताबड़तोड़ आपको प्रोसेसर मिलता है, जो आपको इस एरेंगल में कम से कम 30 किल मार लोगे इस प्रोसेसर से, इतना तो मतलब है मेरे हिसाब से। वैसे तो मैं ज़्यादा किल मार लूँगा, आपको बता रहा हूँ कि आप इतने मार सकते हो, मैक्सिमम किल 30 किल मार सकते हो। तो इस प्रोसेसर का नाम है डायमेंसिटी मीडिया टेक, जो 900 प्रोसेसर है, जो काफ़ी हैवी और काफ़ी लेवी है, मतलब बंदे का लेवी है, मतलब ले लेगा, आप मार सकते हो बंदे को बहुत ही ज़्यादा गंदी तरह से मारोगे, धुलाई करना उसकी, बहुत ही ख़तरनाक मतलब बहुत ही ख़तरनाक प्रोसेसर है। तो ये 6 नैनोमीटर पर प्रोसेसर है और काफ़ी हैवी है। तो हम इस बारे में बात कर चुके हैं, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या अपन इस मोबाइल में कितने फिंगर से खेल सकते हैं। सभी लोग जानते हैं कि हमको फिंगर में मतलब ज़्यादा प्रो बनना होगा, तो हमको मतलब ज़्यादा फिंगर से खेलना पड़ेगा। अगर आप 6 उंगली से खेलते हो या 8 उंगली से खेलते हो, तो ये आपके लिए ये मोबाइल है, क्योंकि ये 6.7 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले और बहुत सारा और माल मटेरियल मिल रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है। और मैं बता दूं, इसमें सुपर AMOLED डिस्प्ले, जिसको आप इसमें बहुत ही सारे रंग देख सकते हो, जो मर्ज़ी नहीं मतलब बहुत ही अच्छा स्क्रीन आएगा आपका, और आपको देखने में मज़ा आएगा, और बहुत ही मस्त अगर आप फ़ोटो खींचोगे तो बोलोगे कि वाह भाई क्या कैमरा है, क्या कलर ग्रेडिंग है। तो हम बात कर लेते हैं
कैमरे की, जो हम अक्सर टिकटॉकर, तो टिकटॉकर मतलब कभी कभी बनने का मन करता है, जैसे रील्स बनाते हैं अपन, तो अपन को मुजरा करने को बहुत ही ज़्यादा मतलब मेगापिक्सल की ज़रूरत पड़ती है, और काफ़ी अच्छा मोबाइल, ब्रांडेड मोबाइल जैसे सैमसंग, तो सैमसंग आपको मिल जाता है 108 मेगापिक्सल का कैमरा, जो काफ़ी ख़तरनाक है, जो काफ़ी ज़्यादा मेगापिक्सल मतलब बहुत ही ज़्यादा नंबर है। इससे आप बहुत ही डिटेल से अपना मतलब रील्स बना सकते हो, पिक्चर फटेगी नहीं, बहुत ही ख़तरनाक लुक आने वाला है जो। और बात कर लेते हैं आगे वाले कैमरे की, तो आगे वाला कैमरा 32 मेगापिक्सल का है, जो आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब चेहरा आपको देख सकते हो बहुत ही पास से, बहुत ही ख़तरनाक लुक आने वाला है, इतना लुक आने वाला कि आप हैंडसम हो जाओगे, गोरे से काला हो जाओगे। तो बात कर लेते हैं दूसरी बात, तो दूसरी बात नहीं, अब हम बात कर लेते हैं आगे की बात। तो आगे की बात यह है कि इस मोबाइल में आपको 6 GB रैम और 128 GB रोम मिल जाता है, जो काफ़ी कम है मेरे लिए, आपके लिए पता नहीं, तो ये मेरे लिए बहुत कम है, क्योंकि ये 25,000 में इतना कम रैम नहीं देना चाहिए, कम से कम 12 GB रैम देना चाहिए, क्योंकि हमको फ़ोन चाहिए, बहुत ही बेस्ट फ़ोन चाहिए, तो हमको 12 GB रैम चाहिए है। आपको चाहिए होगा तो ले लेना ये वाला फ़ोन, मेरे को चाहिए 12 GB रैम, तो मेरे को ये नहीं चाहिए सड़ा हुआ फ़ोन। तो हम बात कर लेते हैं, एक चीज़ मैं बताना भूल गया रहा, आप इससे रियल कैमरा से 4K वीडियो बना सकते हैं, वो भी 30 FPS में और फुल HD में, 60 FPS मतलब सपोर्ट करता है ये मोबाइल। और फ्रंट कैमरा से जो 32 मेगापिक्सल का कैमरा है, आप उससे 4K 30 FPS अपना मुंह थोबड़ा देख सकते हैं, जो काफ़ी आपको सुंदर लगेगा। तो आप इस मतलब इस मोबाइल से आप देख सकते हो। और अगर आपको गेम खेलना है तो मैं बता दूं कि इस मोबाइल में आपको बहुत ही अच्छा गेम चलने वाला है, इसमें आपको टच सैम्पलिंग रेट 240 मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल टच सैम्पलिंग है, जो आप मतलब बहुत ही ज़्यादा फास्ट टच चलेगा। अगर आप पबजी अच्छे खेलते हो तो चलेगा, अगर आप नूबड़े हो तो नहीं चलेगा। मैं तो भाई बहुत ही फास्ट खेलता हूँ, तो मेरे को पता चल जाएगा ये फास्ट मोबाइल चलता है। और इसमें 120 GHz रिफ्रेश रेट है डिस्प्ले का, जो काफ़ी अच्छा है, लेकिन बहुत ही कम है, इसमें कम से कम 240 देना चाहिए इस प्राइस में। तो बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की, तो बैटरी बहुत ही कम है, कम नहीं मतलब बहुत ही ज़्यादा है, 5000 mAh बैटरी मिलती है इसमें, और 25 फास्ट चार्जर, जो काफ़ी स्लो चार्जर मैं कहूँगा इसको, पता नहीं फास्ट चार्जर क्यों कहते हैं 25 को। तो ये 2022 चल रहा है, ना कि 2018, जो आपको 18 वाट और या 20 वाट का चार्जर पकड़ा दिया जाए, वो भी 18,000 के मोबाइल में, तो बहुत ही मतलब बेकार चार्जर दिया है। और फास्ट चार्जर इसको मैं नहीं कहूँगा, 25 वाट को 30 वाट के ऊपर देना चाहिए, तो बहुत ही मतलब ख़राब है। बैटरी पिकअप अच्छा है, लेकिन चार्जिंग मतलब बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही कम दिया है वाट। और मैं बता दूँ इस मोबाइल को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप ये वाला मोबाइल बिल्कुल भी मत लेना, अगर आप सैमसंग लवर हो या गैलेक्सी लवर हो, कोई भी हो, इस फ़ोन को ले लेना। और मेरी तरफ यह है कि इस मोबाइल को छोड़ के आप IQ Z6 Pro ले सकते हो, जो स्नैपड्रैगन मतलब ड्रैगन है वो 778G, जो गेम प्रोसेसर है, और आप उस मोबाइल को मतलब बहुत ही कम रेट में मिल जाएगा, 24 तक मिल जाएगा, जो आपको बहुत ही अच्छा मोबाइल परफॉर्मेंस निकाल के देगा, IQ Z6 Pro, जो आपको बहुत ही मतलब उसमें 50 किल मार लोगे, मैं मार लूँगा, आपका पता नहीं, मैं मार लूँगा,
तो आप ले सकते हो, दोनों में से बहुत ही बेस्ट मोबाइल है दोनों। दोनों मतलब मोबाइल बेस्ट है, वीडियो नहीं। तो बाय बाय, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए।